सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। महोत्सव में मिलने वाले रुद्राक्ष के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इनमें से ही एक कतार में भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं, जिसके बाद प्राथमिक उपचार केंद्र में घायलों का इलाज जारी है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का श्रवण करने वालों की संख्या करोड़ों में है। सीहोर में पंडित मिश्रा के कुबरेश्वर धाम के पास रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है। महोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। आपको बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से रुद्राक्ष महोत्सव का प्रचार किया गया था और कहा गया था कि इस महोत्सव में मिलने वाले रुद्राक्ष को आप पानी में डालकर पी लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यही कारण है कि इस रुद्राक्ष को लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। वहीं रुद्राक्ष के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी थी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग लगे हुए थे। बांस और बल्लियों से बने बैरिगेट लगे होने के बावजूद भी यहां भगदड़ मच गई, जिससे कई लोगों को चोटें आई हुई हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को प्राथमिक उपचार में इलाज के लिए भेजा गया है। ज्यादातर इस भीड़ भरी अवस्था में घबराहट, उल्टी और चोट लगने के कारण पहुंचे थे। वहीं इस मामले पर आयोजन समिति का कहना है कि 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 10,000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स व्यवस्था में लगे हुए हैं। भगदड़ कैसे मच गई, हमें इसकी जानकारी नहीं है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।